सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक और मूवी मैडम वेब का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। यह एक फीमेल लीड सोनी मार्वल मूवी होने वाली है जिसमें डकोटा जॉनसन एज कैसेंड्रा वेव और सिडनी स्वीनी एज जूलिया कारपेंटर के कैरेक्टर को प्ले कर रही है जो आगे चलकर स्पाइडरमैन बनेगी। अब ट्रेलर पे आए तो उसकी शुरुआत होती है कैसेंड्रा वेव से जो इस रेस्टोरेंट में एंटर करती है जहां उसकी तीन और फ्रेंड्स होती है, सेलेस्टी ऑकनर जो मैट्री फ्रैंकलिन कैरेक्टर को प्ले कर रही है और जो आगे चलकर स्पाइडरमैन बनती है, इजेबेल मर्सी जो एनिया कॉरजन के कैरेक्टर को प्ले कर रही है और ये आगे चलकर स्पाइडर गर्ल बनती है, और सिडनी स्वीनी जो जूलिया कारपेंटर के कैरेक्टर को प्ले कर रही है और ये भी आगे चलकर स्पाइडरमैन बनती है। आगे उसी रेस्टोरेंट में एक स्पाइडरमैन टाइप विलन एंट्री लेता है जिनकी उन सबसे फाइट होती है। अब देखो इसका नाम है इजाकियल सिम्स जिसे प्ले कर रहे हैं तहर रहीम। अब इसे भी स्पाइडरमैन का विलन ही समझ लो जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर्स है और ये कुछ हद तक टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। वैसे इस फाइट सीक्वेंस का कैमरा मूवमेंट मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। फिर उसके बाद जैसे इजाकियल सिम्स कैसेंड्रा पर नाइफ से हमला करता है वो फास्ट में पहुंच जाती है ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे एक और डिटेल निकल कर आती है कि डकोटा जॉनसन के कैरेक्टर कैसेंड्रा वेव के पास भी फ्यूचर देखने की पावर्स है। ट्रेलर के इस प्राइम लोकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि मैडम वेव के इवेंट्स न्यूयॉर्क में हो रहे हैं जहां अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता है। वेल आगे ब्रीथ सीक्वेंस में कैसेंड्रा वेव यूनिफॉर्म में नजर आती है, FDNY न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट, जिसके नीचे पैरामेडिक लिखा होता है जिससे ये पता चलता है कि ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। ब्रीथ इंसिडेंट के बाद कैसेंड्रा को एक विजन आता है जिसमें एक महिला डूब रही होती है और प्रोबेबली उसके बच्चे को कोई थामे हुआ है जो शायद इजाकियल हो सकता है, और फिर आगे कैसेंड्रा खुद एक्सप्लेन करती है कि फ्यूचर में होने वाली चीजें उसे पहले ही दिख जाती हैं, और फिर ट्रेन में भी इजाकियल का कैसेंड्रा और उसके फ्रेंड्स के साथ फेस ऑफ होता हुआ दिखता है। तो गुरु सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर इजाकियल सिम्स कैसेंड्रा वेव और उसके फ्रेंड्स को क्यों मारना चाहता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, सिंस इजाकियल सिम्स के पास भी क्लेयरवॉयंट पावर्स है, मतलब वो भी फ्यूचर देख सकता है और उसे पता है कि वो तीनों लड़कियां आगे चलकर मैडम वेव, स्पाइडर वुमन और स्पाइडर गर्ल बनेंगी, और उन तीनों को सुपर पावर्स मिलने से रोकने के लिए इजाकियल उसे मारना चाहता है, जहां पर वो कैसेंड्रा वेव को वार्न भी करता है, यू हैव नो आइडिया व्हाट दोस गर्ल्स बिकम, बट फिर भी कैसेंड्रा उन सबको बचाना चाहती है। अब देखो इजाकियल सिम्स कैसेंड्रा वेव की माँ का कलीग होता है और जब वो अमेजन रेनफॉरेस्ट में स्पाइडर्स पर रिसर्च करने के लिए जाता है तभी एक इंसिडेंट के कारण उसे स्पाइडरमैन जैसे सिमिलर पावर्स मिलती है और कैसेंड्रा की मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसे आगे कैसेंड्रा अपने फ्रेंड्स को भी एक्सप्लेन करती है। वह लागे कि इस सीन में जो ये हैंड दिख रहा है ये सिमिलर हैंड हमें तब दिखा था जब कैसेंड्रा को विजन आया था जिसमें कोई एक बच्चे को थामे हुए होता है एंड प्रोबेबली ये दोनों लोग एक ही हैं। फिर कुछ एक्शन सिक्वेंस के बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है सिडनी स्वीनी के स्पाइडरमैन का जो कि क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट सूट में दिखती है, और आगे हम एनिया कॉरजन के स्पाइडर गर्ल और मैट्री फ्रैंकलिन के स्पाइडरमैन का भी फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। और मैट्री फ्रैंकलिन के स्पाइडरमैन को देखकर मुझे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की याद आ गई क्योंकि मुझे इन दोनों के सूट में काफी सिमिलैरिटी देखने को मिली। आगे सिडनी स्वीनी के स्पाइडरमैन इजाकियल पर वेब फायर करती है। अब देखो स्पाइडरमैन की सायोनिक वेब बाकी स्पाइडरमैन की वेब से काफी अलग है जहां वो अपनी वेब के शेप को फ्रीली चेंज कर सकती है और किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकती है। और आगे कई फाइट सिक्वेंस होती है जहां कैसेंड्रा मेंशन करती है कि अगर जिंदा रहना है तो मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तो गुरु लोग ये मूवी जहां 2024 के वैलेंटाइन वीक में रिलीज होने वाली है वहीं क्रेविन द हंटर अगस्त में और वैनम 3 नवंबर में रिलीज होगी। वहीं अगले साल जहां मार्वल की सिर्फ एक मूवी डेडपूल 3 आने वाली है वहीं सोनी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को एक्सपेंड करते हुए तीन प्रोजेक्ट रिलीज कर रहा है। वेल मैंने काफी कोशिश की इतने कम समय में बैकग्राउंड अपलोड करके जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की। अगर आपको मेरा बैकग्राउंड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।